हाय गाइस, वेलकम टू दीप इलेक्ट्रॉनिक सर्विस सेंटर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के लेके पढ़ाई करते हो या इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हो, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छा है। चाहे कोई आप मोबाइल रिपेयरिंग करते हो, लैपटॉप LCD LED रिपेयरिंग करते हो, तो इन वीडियो को देखने के बाद आपको जो कंपोनेंट्स है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उन सारे चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाएगा। और आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़रूरी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको देखते ही आप पहचान जाओगे कि यह जो कंपोनेंट है तो किस तरीके का है और कैसा है। सो इस वीडियो को देखते रहिए एंड तक। सो मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली 10 यानी कि 10 चीज़ें आप अगर जान लेते हो इसके बारे में, तो आपके पास ऐसा कोई भी सर्किट नहीं होंगे जो कि आप रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो पहले नंबर पे है रेजिस्टर, दूसरे पे कैपेसिटर आप देख सकते हो, उसके बाद कॉइल, उसके बाद डायोड, उसके बाद ट्रांजिस्टर, उसके बाद मॉस्फेट, उसके बाद क्रिस्टल, उसके बाद बैटरी, उसके बाद ट्रांसफार्मर, उसके बाद फ्यूज़। तो अगर आप इस 10 चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लेते हो, यानी कि इसके मतलब जान लेते हो इसके बारे में, तो आप काफ़ी आसानी से कोई भी सर्किट रिपेयरिंग कर सकते हो। सो इसके बारे में मैं डिटेल में बताता हूँ। सो पहले बताता हूँ रजिस्टर के बारे में। सो गाइस, बेसिकली रजिस्टर किस लिए यूज़ किया जाता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है ये एक तरह की, ये वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए यूज़ किया जाता है सर्किट के अंदर। तो इसका जो यूनिट है उसका ओम है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ओम है, और इसका सिंबल है ये, आप देख सकते हो इस तरह की इसका सिंबल है, और इसका जो डिनोटिंग लेटर है इसका आर है। यानी कि गाइस, अगर सर्किट के अंदर कहीं पे भी आपको मिले आर लिखा हुआ, इसका मतलब ओ रजिस्टर है। तो इस तरह के आप काफ़ी आसानी से इसको पहचान सकते हो, और इसका शेप भी आप देख सकते हो किस तरह की इसका शेप है, और देख सकते हो इससे जो 1 2 3 4 5 6 7 कैटेगरीज का आपको मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। तो इसके अलावा बहुत सारे कैटेगरीज का हो तो जाके आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो। उसके बाद इसका टेस्टिंग। सो गाइस, इसका टेस्टिंग करने के लिए आपको मल्टीमीटर को ओहम रेंज पे आपको सेट करके दोनों साइड को आपको चेक करना पड़ेगा। अगर दोनों साइड में सेम वैल्यू आए तो इस यानी कि इसका मतलब रजिस्टर सही है। अगर सेम नहीं वैल्यू नहीं आए, अगर बीप आ रहा है और कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है रजिस्टर फॉल्टी है। सो उसके बाद गाइस, नेक्स्ट में देख लेते हैं कि रजिस्टर का कलर कोड। सो रजिस्टर कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप बिना मल्टीमीटर के। तो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे दिया गया है एक रजिस्टर। आप देख सकते हो पहले नंबर पर जो कलर है वो रेड है, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ये हो गया पर्पल कलर है। पर्पल के बाद आप देख सकते हो कि ये ऑरेंज कलर है, यानी कि पहले नंबर पे रेड, पर्पल, ऑरेंज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रेड के लिए 2, यानी कि ये हो गया 2। 2 के बाद हो गया गाइस कि ये पर्पल यानी कि 7। तो ये दोनों एक साथ आपको पास पास में बिठा देना है, जैसा कि 2 7, उसके बाद इंटू लगा देना है आपको। उसके बाद जितना भी को कलर है उस तरह के आप देख सकते हो कि ये है ऑरेंज, तो उसके बाद इंटू 3 यानी कि 2 7 इंटू 1000 यानी कि 27 के का ये रजिस्टर है। तो आप देख सकते हो कलर कोड इस तरह का। आप कोई भी रजिस्टर अपने आप यानी कि कोई भी मल्टीमीटर विदाउट मल्टीमीटर के आप मेज़र कर सकते हो। तो चलिए आप नेक्स्ट में देख लेते हैं। तो दूसरे नंबर पे है गाइस कैपेसिटर। सो बेसिकली कैपेसिटर किस लिए यूज़ किया जाता है? बेसिकली गाइस, कैपेसिटर AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, पल्सेटिंग DC, और सॉरी जो AC को DC प्योर DC में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और DC करंट को स्टोर करता है और AC करंट को पास कर देता है। सो उसके बाद आपका इसका यूनिट देख सकते हो गाइस, इसका यूनिट है फैराड। फैराड फैराड में भी होता है और माइक्रो फैराड में भी होता है। तो इसका सिंबल आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो नॉर्मल है ये इलेक्ट्रोलाइटिक है, ये वेरिएबल कैपेसिटर है। तो काफ़ी तरह के कैपेसिटर होते हैं गाइस, तो आपको सिर्फ मैं बेसिक बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप चाहते हो कि इसको डिटेल में पढ़े, तो इसके लिए आपको अलग अलग वीडियो को देखना पड़ेगा। और उसके बाद आप शेप देखते हो कि इस तरह की शेप होता है, और ये देख सकते हो यहाँ पे जो वेरिएबल कैपेसिटर है, तो ये आपको देखने को मिलेगा रेडियो को, रेडियो के अंदर, पुराने ज़माने की जो रेडियो था उसके अंदर इस तरह की
कैपेसिटर लगा रहता था। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो डिनोटिंग लेटर सी, यानी कि मतलब अगर गाइस सर्किट में कहीं पे भी आपको सी लिखा मिले, सी के बाद 1 2 3, सी ऑन, सी टू, सी थ्री कोई भी लिखा मिले, इसका मतलब गाइस वो जो कंपोनेंट्स है वो हो गया कैपेसिटर। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका टेस्टिंग। तो इसको टेस्टिंग करने के लिए आपको दो तीन कैटेगरीज को आप हैं, यहाँ पे तीन ऑप्शन है इसको टेस्टिंग करने के लिए। पहला नंबर पे है गाइस कि आप ऑन बोर्ड, यानी कि बोर्ड में लगा हुआ सिचुएशन में आप अगर इसको मेजर करेंगे तो कैसे करेंगे। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो आपको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे रख के आपको एक प्रॉब यानी कि ब्लैक वाला पॉइंट को आपको ग्राउंड कहीं पे ग्राउंड में लगा देना है। उसके बाद जो कैपेसिटर है उस कैपेसिटर को दोनों साइड को आप चेक करना पड़ेगा। चेक करने के बाद अगर आपको एक साइड में बीप और एक साइड में वैल्यू मिले, इसका मतलब गाइस वो कैपेसिटर सही है, अदरवाइज वो फॉल्टी है। उसके बाद अगर मतलब ओपन करके जो सर्किट से निकाल के अगर आप उसको चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे। तो गाइस आपको मल्टीमीटर को 20 ओम पे सेट करके गाइस जो रेड को पॉजिटिव साइड एंड ब्लैक को नेगेटिव साइड के रखने के बाद अगर बढ़ते बढ़ते अगर ऑन पे आ जाए वैल्यू तो यानी कि मतलब सही है, अदरवाइज वो फॉल्टी है। उसके बाद गाइस जो नॉन प्रोडक्ट कैपेसिटर है उसको आप कैसे चेक करेंगे। सो उसको चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे रखने के बाद कैपेसिटर को प्रॉब को आपको दोनों साइड चेक करने के बाद अगर बीप साउंड ना आए सो वो कैपेसिटर सही है, अगर बीप साउंड आ जाए तो वो फॉल्टी है। तो चलिए आप नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर पे है कॉयल। सो गाइस कॉयल बेसिकली दो तरह की होता है, एक बूस्ट कॉयल होता है और एक बक कॉयल होता है। गाइस ये बेसिकली वोल्टेज को बढ़ाने के लिए भी काम करते हैं और फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करने के लिए भी काम करता है। तो आप किसी भी चीज़ में इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसका यूनिट देख सकते हो, इसका यूनिट है हेनरी और इसका सिंबल यहाँ पे आप देख सकते हो, इस तरह से सिंबल सर्किट के अंदर इस तरह की होता है। और शेप देख सकते हो लगा हुआ रहता है, ये हो गया शेप उसका। डिनोटिंग लेटर है एल। सो अगर सर्किट में अगर कहीं पे भी एल लिखा मिले तो इसका मतलब गाइस वो जो जगह बनी हुई है वो कॉइल के लिए है। सो उसके बाद टेस्टिंग है। तो गाइस इसको टेस्ट करने के लिए आपको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करने के बाद दोनों साइड पे चेक करने होंगे आपको। और चेक करने के बाद अगर आपको बीप साउंड मिल जाए तो ये कॉयल जो है वो सही है, अगर आपको बीप साउंड नहीं मिले तो ये ख़राब है। सो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि गाइस डायोड, काफ़ी यूजफुल चीज़ है गाइस। यहाँ पे डायोड यहाँ पे देख सकते हो कि डिपेंड आपका डिपेंड के टाइप के ऊपर ये काम करते हैं। तो जैसे कि देख सकते हो कि 1 नंबर पे है जो नॉर्मल डायोड हो है वो एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है, और दूसरे नंबर पे जेनर डायोड ये वर्क करती है वोल्टेज रेगुलेटर के लिए, और तीसरे नंबर पे है फोटो डायोड। ये गाइस यूज़ किया जाता है सेंसर लाइक एलडीआर और इस तरह की चीज़ों में इसको यूज़ किया जाता है, आईआर में भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद चौथा नंबर पे आप देख सकते हो लाइट इमिटिंग डायोड यानी कि LED, ये क्या काम करता है गाइस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करती है। तो इसका सिंबल आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका सिंबल इस तरह की होते हैं, ये नॉर्मल डायोड, ये जेनर डायोड, ये गाइस LDR फोटो डायोड, और ये हो गया LED। सो उसका शेप भी आप देख सकते हो यहाँ पे, ये नॉर्मल है, ये जेनर डायोड है, ये मतलब सेंसर है फोटो डायोड, और ये हो गया LED। और इसका डिनोटिंग लेटर है D। अगर कहीं पर आपको D मतलब मिल जाए तो ये हो जो आपको डायोड है। तो उसको कैसे चेक करेंगे, चेक करने का तरीका आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देख सकते हो टेस्टिंग करने के लिए आपको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे रख के आपको दोनों साइड चेक करने के बाद अगर आपको 260 से लेके 960 तक आपका वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब सही है, अगर कम आए यानी 260 से कम वैल्यू आ जाए और बीप साउंड आ जाए तो मतलब ये फॉल्टी है डायोड। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में आता है गाइस ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर काफ़ी भी अच्छा गाइस, तो ये काफ़ी काम में आता है, जैसे कि आप देख सकते हो एम्पलीफाइंग, स्विचिंग, मॉड्यूलाइजिंग, डीमॉड्यूलेटिंग में काम आता ही है। सो इसका सिंबल आप देख सकते हो कि इस तरह की होते हैं इसका सिंबल, ये टू टाइप्स का होता है, NPN और PNP। तो अगर इसको बारे में डिटेल में जानना है तो आप VK मेहता के बुक से ले सकते हो या
आप ऑनलाइन में देख सकते हो इंटरनेट पे सर्च करके, तो इसका शेप देख सकते हो इस तरह की इसका शेप होते हैं, और इसका डिनोटिंग लेटर है आप यहाँ पे देख सकते हो क्यू और पी क्यू। सो गाइस अगर क्यू सिर्फ क्यू लिखा रहे तो ये हो गया गाइस नॉर्मल ट्रांजिस्टर, अगर ये पी क्यू लिखा रहे तो इसका मतलब है गाइस पावर ट्रांजिस्टर। तो इसका टेस्टिंग आप देख सकते हो कि मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी पॉइंट पे रख के आपको चेक करना होगा ट्रांजिस्टर का, जो ब्लैक वाला पॉइंट है उसको आपको बेस पे रखना होगा, यानी कि जो बीच में जो टांग है उस पे रखना पड़ेगा ब्लैक वाला पॉइंट को, और जो लास्ट में जो पिन है उसको उसके ऊपर आपको रेड वाला पॉइंट रखना पड़ेगा। तो रखने के बाद अगर आपको 240 से लेकर 960 वैल्यू आपको मिल जाए मल्टीमीटर में, तो ये इसका मतलब सही है ये ट्रांजिस्टर, अदरवाइज अगर बीप साउंड आए तो ये जो ट्रांजिस्टर है ख़राब है। उसके बाद आप देख सकते हो मल्टीमीटर का पॉजिटिव प्रोब अगर बीच में रख के आप चेक करते हो, यानी कि तो उस तरह हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर, अगर अदरवाइज वो पीएनपी हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, तो इस नेक्स्ट में आता है गाइस मॉसफेट। तो मॉसफेट भी काफ़ी यूज़फुल चीज़ है गाइस, ज़्यादातर मॉसफेट लैपटॉप एलसीडी एलईडी और कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है, तो ये बेसिकली स्विचिंग के लिए काम आता है गाइस। तो ये भी जो मॉसफेट है टू टाइप्स का होता है, एन चैनल और पी चैनल। तो इसका सेम सिंबल देख लीजिए आप लोग, एन चैनल का सिंबल कैसा है और पी चैनल का सिंबल कैसा है। तो उसके बाद आप शेप देख लीजिए कि इससे इस तरह की आपको मिल सकते हैं, और उसके बाद देख लीजिए डिनोटिंग लेटर क्यू और पी क्यू। सो गाइस ये जो ट्रांजिस्टर और मॉसफेट के मसला है, तो आपको इसका डेटा शीट देख के ही आपको पता चलेगा कि अगर कैसा वो ये ट्रांजिस्टर या मॉसफेट है, और इसको डिनोटिंग लेटर आप देखने जाओगे तो ये दोनों का डिनोटिंग लेटर सेम ही है, और इसका शेप भी काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन इसका जो वर्किंग सिस्टम है ये गाइस अलग है। तो आपको इसको मतलब मेज़र करने के बाद और डेटा सेट देखने के बाद ही आपको पता चलेगा ये ट्रांजिस्टर है या मॉसफेट है। तो सेम चीज़ है गाइस, जैसे कि आप ट्रांजिस्टर चेक करते हो उसी तरह की मॉसफेट भी चेक करोगे। सो अब नेक्स्ट में देख लेते हैं, नेक्स्ट में है गाइस क्रिस्टल। सो गाइस क्रिस्टल बेसिकली काम में आता है, दो काम में आता है गाइस क्रिस्टल। एक तो होता है कि इसको फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए एक यूज़ किया जाता है, और एक डेट एंड टाइम के लिए मेमोराइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप देख ही चुके होंगे जो पिछले ज़माने के छोटे छोटे जो डिजिटल वॉच होती थी उसके अंदर भी इस तरह की क्रिस्टल होती थी, इस तरह की गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है हर्ज, और इसका सिंबल आप देख सकते हो इस तरह की इसका सिंबल होता है, और शेप देख लेते हो यहाँ पे, और इसका डिनोटिंग लेटर नीचे चला गया है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका डिनोटिंग लेटर है एक्स एंड वाई। सो एक्स एंड वाई, अगर किसी पे आपको एक्स लिखा दिखे तो इसका मतलब है ऑसिलेटर क्रिस्टल, और अगर आपको वाई लिखा दिखे तो ये आरटीसी क्रिस्टल। तो इसको यूज़ कर गाइस, तो अगर इसको आप चेक करने जाओगे कि कैसे इसको चेक करेंगे ख़राब या सही है, तो इसको चेक करने के लिए आपको DSO या CRO मशीन की आपको ज़रूरत होगी, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी अगर जनरेट फ्रीक्वेंसी मेजर करने का चीज़ अगर चाहिए आपके पास, अगर फ्रीक्वेंसी मेजर करने का मल्टीमीटर है तो इसको चेक कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। सो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में है बैटरी। सो गाइस बैटरी किस काम में आते हैं आप सभी लोगों को जानते ही हो, सो इसके बारे में डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं, फिर भी आपको इसके थोड़ा सा यूनिट सिंबल शेप के बारे में बता देता हूँ। तो इसका यूनिट है एम्पियर, और इसका सिंबल यहाँ पे देख सकते हो इस तरह की इसका सिंबल है, और शेप आप यहाँ पे देख सकते हो, और डिनोटिंग लेटर है ए है। और इसका टेस्टिंग, जो टेस्टिंग कैसे करता है गाइस, मान लीजिए आपके पास 9 वोल्ट का एक बैटरी है, तो उसको चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC पे सेट करके इसको ब्लैक को और नेगेटिव में और पॉजिटिव में रेड प्रॉब को टच करके आपको चेक करने के बाद अगर आपको मल्टीमीटर को देखने को मिलेगा कि कितने वोल्टेज का बैटरी है। तो इस काफ़ी सिंपल चीज़ है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट में गाइस ट्रांसफार्मर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी जगहों पे ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है गाइस, मैक्सिमम जगह के कहीं पे भी गाइस, आप जहाँ पे डायरेक्टली AC पे आप देते हो AC से चलाते हो तो उसके सर्किट में ट्रांसफार्मर लगा ही रहता है मस्ट। तो ये होता है गाइस ट्रांसफार्मर, आप देख सकते हो इसका सिंबल ट्रांसफार्मर का, और ये स्टेप अप और स्टेप डाउन दो तरह की ये ट्रांसफार्मर होते हैं। सो अब इसका डिनोटिंग लेटर है T। तो इसका शेप देख लीजिए गाइस, इस तरह की इसका शेप होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में जो यूज़ में आता है, इसका इस तरह की शेप होता है।
और जो बड़े वाले ट्रांसफार्मर होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं है गाइस। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अगर आपको कहीं पे दिखे टी लिखा हुआ है, इसका मतलब वो ट्रांसफार्मर के लिए जगह बनाया गया है। सो इसको टेस्टिंग के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि नीचे लिखा हुआ है कि मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करके आपको प्राइमरी टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी टू सेकेंडरी आपको चेक करने होंगे। यानी कि मतलब जो ये देख सकते हो सेकेंडरी, तो इस तीनों को आपको चेक करने होंगे एक एक करके। अगर बीप साउंड आए तो सही है, उसके बाद आप प्राइमरी साइड आप दोनों को जुड़ के चेक कर लीजिए, तो अगर बीप साउंड आए तो सही है। सो अब देख लेते हैं नेक्स्ट में। तो ये गाइस काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन की चीज़ है ये गाइस। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत जगह पे इसका यूज़ किया जाता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये इसका सिंबल इस तरह के होते हैं, इसका सिंबल और शेप भी आप देख सकते हो यहाँ पे। जो लोग थोड़ा सा नॉलेज रखते होंगे तो उन लोगों को पता ही होगा कि फ्यूज़ मतलब क्या काम करते हैं। सो उसके बाद इसका डिनोटिंग लेटर भी देख सकते हो एफ, यानी कि गाइस सर्किट में अगर कहीं पे एफ लिखा दिखे तो इसका मतलब ये फ्यूज़ का जगह है। और इसका चेक करने का तरीका बहुत ही आसान है, जैसे कि आप देख सकते हो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे रख के दोनों साइड को आपको चेक करने के बाद अगर बीप साउंड आए तो ये जो फ्यूज़ है ये एकदम बिल्कुल सही है गाइस 100%। सो ये था गाइस आज का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास। इसके बारे में जो भी आपको 10 चीज़ें बताया आपको, तो इसका जो प्रैक्टिकल वीडियो है चेक करने का, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल करके ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और एक वीडियो बनाऊंगा एसएमडी कंपोनेंट्स के बारे में, एसएमडी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में, ताकि आपको जो छोटे छोटे अब जो चल रहा है कंपोनेंट होता है तो उसको आपको समझ में आ जाए। सो गाइस अगर इस वीडियो को आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, और इस तरह की वीडियो और भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।